नारा जोशी, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं इंदौरी पोहा। ये बहुत ही मशहूर है एमपी में और ये ज़्यादातर यही खाया जाता है ब्रेकफास्ट में वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने एक कप पोहे को अच्छे से, ये मीडियम साइज़ का पोहा है, एकदम थिन वाला नहीं लिया मैंने, इसको अच्छे से धो लिया है और इसको ऐसे छोड़ दिया ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। और साथ ही चाहिए हमें आधा नींबू, कुछ कड़ी पत्ते, मूंगफली और हरी मिर्च, और साथ ही बारीक कटा टमाटर, और एक प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये कुछ मेरे पास मिक्सचर पड़ा था नमकीन का, तो वो इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। एक पैन में डालेंगे हम ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि इसमें हमारे मूंगफली और ये हरी मिर्च वगैरह अच्छे से भुन जाए। अब जब तक तेल गर्म होता है, इसमें सबसे पहले जाएगा हमारे सरसों के दाने, और साथ ही जाएंगे इसमें कड़ी पत्ता और मूंगफली। उसके बाद जाएगी इसमें हरी मिर्चें। इसको अच्छे से भुनना है ताकि जो हरी मिर्चें एकदम से क्रिस्प हो जाए और कड़ी पत्ता भी। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा कलर के लिए डालना है। थोड़ा सा जाएगा मिर्ची पाउडर। अभी अच्छे से भुन गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। अब इस तड़के को धीरे धीरे हम इस पोहे में मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच शुगर पाउडर, शुगर, पिसी हुई चीनी, और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आधा डालेंगे इसमें नींबू, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका टेस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लें, नमक और इसमें नींबू और खट्टापन, और ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और जब इसको खाना हो उसी समय इसको तैयार करें। सबसे पहले इसमें हम पोहा डालेंगे। पोहा डालने के बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, थोड़ा सा जाएगा इस पर टमाटर बारीक कटा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, हल्का सा। उसके बाद इसमें जाएगा हमारा तैयार किया हुआ मिक्सचर, जिसमें मैंने सेव, बूंदी, मूंगफली, जो भी आपके पास मिक्सचर पड़ा हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ऊपर से इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, और ये बिल्कुल रेडी है हमारा इंदौरी पोहा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी मिलेंगे एक नई सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।